मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के मांडा में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद हैं और आप देखिए यहां पर महंत अश्विनी जी द्वारा एक पिंगला माता यात्रा ली जा रही है। पिछले 15 सालों से अश्विनी जी लगातार माता की यात्रा लेकर जाते हैं हर साल, और हम देख रहे हैं कि हर साल यात्रा की जो मात्रा है भक्तों की वो बढ़ती जा रही है। शर्मा जी, आज पिंगला माता की यात्रा अश्विनी जी लेके जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जय माता दी। और बहुत अच्छा ये लगा कि अश्विनी सिंह जी द्वारा, महंत अश्विनी सिंह जी द्वारा लगातार से जो प्रयास है 15वीं यात्रा, और आज मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में अनगिनत गाड़ियाँ छोटी बड़ी, और जिस तरीके से अश्विनी जी ने बताया कि जम्मू महानगर से ही नहीं, जानीपुर के क्षेत्र से ही नहीं, दिल्ली क्षेत्र से भी, पंजाब क्षेत्र से भी, हिमाचल से भी कुछ श्रद्धालु जो हैं इस यात्रा में भाग लेने हेतु आते हैं और माता पिंगला देवी के दर्शन करते हैं। ख़ास तौर पर आज नवरात्रों का शुभ अवसर भी है, ऐसे समय में माता के दर्शन अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। मैं अश्विनी सिंह जी का एक ख़ास तौर पर उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारे जम्मू, ख़ास तौर पर हमारा जो जम्मू शहर है, ये एक मंदिरों का शहर है, और ऐसे समय में माता के दर्शन करना शुभ नवरात्रों के समय में अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। माता पिंगला माता, माता वैष्णो, काली माता के हम सबको दर्शन लगातार होते हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। मैं अश्विनी जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, इंद्रजीत खजूरिया जी को यहाँ पर जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, करण जी और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने प्रयास करके, और मुझे आज हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी के साथ हमारी यहाँ की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जितने भी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर आए हैं उन सब के साथ मिलकर इस यात्रा का साथ देने का मौका मिला है। पंचमुखी भगवान हनुमान जी के दर्शन करने का मौका मिला है और रूबरू होने का मौका मिला है अश्विनी सिंह जी द्वारा, जिनके माध्यम से, और मेरा मानना है कि इनके माध्यम से माता पिंगला का आशीर्वाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर बना रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ खास तौर पर नवरात्रों के शुभ अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय माता दी। इंद्रजीत खजूरिया जी हमारे साथ हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर के चेयरमैन हैं। इंद्रजीत जी, आज दूसरी बार पिंगला माता की यात्रा यहाँ पर प्रथम विश्राम कर रही है, क्या कहें? हनुमान मंदिर की तरफ से जितने पिंगला माता में जा रहे हैं सबका स्वागत है, और यहाँ पर हर साल जो है हम का कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आएँ और यहाँ पर दर्शन करें और बाहर जाएँ। और पिछले साल से इस साल जो काफ़ी फ़र्क देखने में आ रहा है, काफ़ी अंतर है, पहले इतनी रौनक नहीं थी जितनी कि इस साल रौनक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हनुमान की कृपा रही, पिंगला माता की कृपा रही, तो यात्रा बढ़ती जाएगी, हर साल बढ़ती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है। पूर्णिमा शर्मा जी, आप नगर सेवक हैं, पूर्व उप महापौर हैं, आज आप भी यहाँ पर आए हैं, पिंगला माता की यात्रा यहाँ से प्रस्थान हो रही है, नवरात्रे दे इस पावन पर्व उपर आप दे माध्यम करने में पहले इधर उपस्थित सारे की बड़ी बड़ी शुभकामना दिनी आ, और अपने अश्विनी जी हर साल ये यात्रा जी पिंगला माता दी इसे मंदिर दे विश्राम दे बाद अगे अग्रसर होती है। अस ये अपेक्षा करने कि माँ रानी का आशीर्वाद इंदे अश्विनी हुंदे माध्यम करने सारी जनता उपर बने, ताकि जियां साढ़े इंद्रजीत होरे आख्या कि पिछले साल कोला इस साल का जिहड़ा दृश्य है वह अलग ही है। अपेक्षा करने हैं कि हर साल यात्रा जिन्ना बदा करती है विश्राम इधर हर बारी होता है सारे का सहयोग करने, अपेक्षा करने हैं कि इधर सारे अपना अपना सहयोग देन और यात्रा ही बधाने वास्ते जिन्ना सहयोगी अस सिद्ध हो सकने ऐसा सानू तत्परता करने कार्यरत होना चाहिए। पुनः अज के इस दिहाड़े पर बड़ी बड़ी शुभकामना, जय माता दी। प्रमोद कुभाई जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर आज यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। प्रमोद कुभाई जी, क्या कहेंगे? धरातों के उत्सव पर आज जहां पिंगला माता की जो यात्रा है वो जा रही है,
हालांकि मेरी ये पहली बार मैं जहां इस यात्रा में आया हूं और देखने में लगता है कि श्रद्धालुओं में जिस प्रकार का उत्साह है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यात्रा और बढ़ेगी। आज जैसे बताया गया, ये 15वीं यात्रा जो है अश्विनी जी की अध्यक्षता में ये यात्रा निकल रही है और यहाँ के जो हमारे चेयरमैन हैं इस मंदिर के, पंचमुखी मंदिर के, इंद्रजीत खजूरिया जी, उन्होंने इस यात्रा को फ्लैग ओवर करके आज यात्रा भेजी है। हमारे साथ मेरे कॉरपोरेटर साथी, यहाँ हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले हमारे सत शर्मा जी जो मंत्री भी रहे हैं और पूर्णिमा जी जो डिप्टी में रही हैं, और सबके साथ मिलकर आज यहाँ यात्रा निकली। जहाँ मेरी एज ए जिला अध्यक्ष मेरी सारी टीम जहाँ पे है, स्पेशली करण जी जो हैं इस यात्रा का देख रेख कर रहे हैं, उनकी टीम, तो मैं सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार ये यात्रा आगे भी बढ़ती रहे। और जैसे कहा जाता है कि मंदिरों का शहर है जम्मू का, जम्मू हमारा, और जम्मू के मंदिरों के शहर में इसी प्रकार श्रद्धा बढ़ती रहे और लोग ऐसी यात्राएँ करते रहें और इसी से समाज की और देश की भलाई होगी। जय हिंद, जय भारत। महंत अश्विनी जी पिछले 15 साल से यात्रा लेकर जा रहे हैं। महंत जी, आप पिछले 15 सालों से यात्रा लेकर जा रहे हैं, हर साल जो भक्तों की मात्रा है बढ़ती जा रही है यात्रा में, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज लगातार 15 सालों से ये यात्रा चली आ रही है, तो ये मैं यात्रा जब शुरू की थी कोई 10-20 लोगों के साथ शुरू की थी, आज ये यात्रा हजारों की संख्या में पहुंच चुकी है। तो लगातार दूसरी बार ये प्राचीन हनुमान मंदिर मांडा में आने का हमें मौका मिला, तो ये यात्रा जो है मैं जम्मू के जनता के लिए, खुशहाली के लिए जाता हूँ, लेकर जाता हूँ कि जम्मू की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे और हमारी जो संस्कृति है वो कामयाब रहे। अश्विनी जी का कहना है कि 15 सालों से ये यात्रा जो पिंगला माता की हम लेकर जाते हैं, इसलिए लेकर जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली रहे, और आप देखिए कि बाहर संगत भी किस तरह से उत्सुक है यात्रा में जाने के लिए। यहाँ पर प्रथम विश्राम का इंतज़ाम करण सिंह और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा किया गया। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपको दिखाया कि अश्विनी जी माता की यात्रा लेकर जाते हैं और पिछले 15 सालों से ये लगातार पिंगला माता की यात्रा लेकर जा रहे हैं। मांडा में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज पहला विश्राम है इस यात्रा का। प्राचीन मंदिर है, पिछले साल भी यहीं पर यात्रा प्रथम विश्राम के लिए रुकी थी। करण सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा यात्रा का प्रथम विश्राम का इंतजाम किया जाता है। तो ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।